हाय फ्रेंड्स, अपने प्रॉमिस के अनुसार आज हम एस्ट्रो इंटेलिजेंस परिवार की ओर से दुर्गा सप्तशती पाठ का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है, ये अकेला पाठ नहीं होगा, इसके अर्थ भी साथ में बताए जाएंगे। सो दोस्तों, ये जो पाठ है, आप सबसे निवेदन है कि साथ साथ आप इस पाठ को करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका लाभ उठा सकें, साथ में परमात्मा की स्तुति और प्रार्थना, ये दोनों चीज़ें आपकी एक साथ होंगी। दोस्तों, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं कि ये दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है, ये एक्चुअल में है क्या। दोस्तों, ये है शिव, जिसको हम आदि देवता मानते हैं, आदि ऊर्जा मानते हैं, आदि शक्ति मानते हैं। दोस्तों, शिव और शिव की जो शक्ति है, जैसा कि एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि शिव की शक्ति उसके ऑपोजिट हाउस यानी कि सेवंथ हाउस में पड़ी है, और सेवंथ हाउस को हम मैरिज का हाउस मानते हैं। सो मैरिज, शिव की मैरिज कहाँ हुई? शिव की मैरिज हुई पार्वती के साथ। सो यहाँ पर भी एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत बहुत आसानी से समझ आता है कि ये जो शिव और पार्वती यानी कि दोनों आदि ऊर्जाओं के बीच में जो संवाद हुआ, उससे जो चीज़ निकल कर आई, वो ही दुर्गा सप्तशती है, वो ही ऊर्जा है दोस्तों। और जो भी साधक इस ऊर्जा का पठन करते हैं, इस ऊर्जा का पाठ करते हैं, इस ऊर्जा की स्तुति करते हैं, उनको परमात्मा का तक पहुंचने का लाभ तो मिलता ही है, साथ में बहुत सी और सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, ये मत है। हालांकि मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन कुछ और भी हो सकते हैं, मगर ये मत है। और इसको हम, क्योंकि परमात्मा की आराधना कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपना मत बिल्कुल बीच में नहीं लेंगे। और दोस्तों, आज हम इसके साथ ही शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले कोई भी पाठ प्रारंभ करना है तो सबसे पहले गणपति आराधना करना बहुत ज़रूरी है। और आप सब मेरे साथ ओम गम गणपते नमो नमः, ओम गम गणपते नमो नमः, ओम गम गणपते नमो नमः। इसके साथ ही हम सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला मंत्र है जो लॉर्ड शिवा ने, भगवान शिव ने बोला, देवी त्वम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम ब्रूही यत्नतः। उसके बाद देव्योवाच, श्रेणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मयत वैव स्नेह स्नेहे नाप्य अम्बा स्तुति प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदे श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगे। ओम ज्ञानी नामपि चेतामसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया पर्यच्छति। दुर्गे स्मृता हरसी भीतीम शेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतीम तीव शुभाम ददासी। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्य सर्वोपकार करनाय सदार दच्चिता। यहां पर अब आप अर्थ सुनिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। अब आप इसको समझिए कि शिव भी ये कह रहे हैं कि हे देवी,
अगर कोई सिद्धि की इच्छा रखते हुए आपका ये पाठ करता है और अगर कोई उपाय भी है तो आप अपनी वाणी द्वारा उसे उद्धृत करें। तो देवी ने क्या कहा अब आप सुनिए। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी। सुनो, उसका नाम है अम्बा स्तुति। इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया महादेवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। मां दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय का हरण करने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दया से आर्द्र रहता हो। अगला मंत्र श्रवण करें। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्व अर्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये भयस्त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगन शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रिताना नाम ने विपन्ना रानाम त्वामिश्रिता ह्याश्रयताम प्रयन्ति सर्व बाधा प्रश्मनम त्रैलोक्य अस्या खिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्य द्वैरी विनाशनम। इति श्री सप्त श्लोकी दुर्गा संपूर्ण। इसके शाब्दिक अर्थ आप श्रवण करें। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याण दायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सबकी सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। अब उसके बाद श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, जिसमें सबसे पहला मंत्र है ईश्वर उवाच, यानी कि ईश्वर क्या कहते हैं। शतनाम प्रवक्ष्यामि श्रीनुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेन दुर्गा प्रीता भवेत सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूल धारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंड घंटा महातपय मनो बुद्धिर अहंकारा चित्त रूपा चिता चिति सर्व मंत्र मई सत्ता सत्यानंद स्वरूपिनी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गति। अब इसके शाब्दिक अर्थ श्रवण करें। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमला नने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूं।
ये जो पाठ है अष्टोत्तर सतना शतनाम, जिसके बारे में सुनो, जिसके प्रसाद यानी के पाठ करने से और श्रवण करने से, जैसे मैं पाठ कर रहा हूं आप सब श्रवण कर रहे हैं, ये दोनों या पाठ या श्रवण, इन दोनों के मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। सबसे पहला जो नाम है, ये दुर्गा के जो नाम अलग अलग लिए गए हैं वो अब आप श्रवण करें। सबसे पहला नाम है ओम सती, दूसरा है साध्वी, तीसरा है भवप्रीता यानी भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, चौथा है भवानी, उसके बाद भवमोचनी यानी के संसार बंधन से मुक्त करने वाली, उसके बाद आर्या, उसके बाद दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूल धारिणी, पिनाक धारिणी, चित्रा, चंड घंटा यानी प्रचंड स्वर से घंटा नाद करने वाली, महातपा महातप करने वाली, मन यानी के मनन और शक्ति, उसके बाद बुद्धि, अहंकारा यानी के अहंता का आश्रय, चित्त रूपा, चिता, चिति, सर्व मंत्रमयी, सत्ता, सत्य आनंद स्वरूपिनी, अनंता, भाविनी, भाव्या, भाव्या का मतलब है भावना और ध्यान करने योग्य, भव्या कल्याण रूपा, अभव्या जिससे बढ़कर भव्य कोई है ही नहीं, सदागति। ये 30 नाम तो मैंने बता दिए, अब अगला मंत्र श्रवण करें। शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा, सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा अनेक वर्णा च पाटला पाटलावती, पट्टांबर परिधाना कल मंजीर अंजनी, अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी, वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी माहेश्वरी चैंद्री कौमारी वैष्णवी तथा, चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति, विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा, बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हनिनी महिषासुर मर्दिनी, महु कैटभ हंत्री च चंड मुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशाचा सर्व दानव घातिनी, सर्वशास्त्र मई सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा। अब उसके बाद 30 के बाद जो नाम है वो अर्थ के रूप में आप श्रवण करें। 31वां है शांभवी यानी के जो शिव की प्रिय है, उसके बाद देव माता, फिर चिंता, रत्न प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा यानी तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली, अनेक वर्णा यानी के जो अलग अलग रंगों में है, पाटला लाल रंग वाली, पाटलावती गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पटांबर परिधाना रेशमी वस्त्र धारण पहनने वाली, कल मंजीर रंजिनी मधुर ध्वनि करने वाली, मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमेय विक्रमा असीम पराक्रम वाली, क्रूरा यानी दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी सुर सुंदरी, वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति। ये हुए दोस्तों जो 59। अब उसके बाद मंत्र श्रवण करें आप। अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी, कुमारी चैव कन्या च कैशोरी युवती यति, अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्ध माता बल प्रदा, महोदरी मुक्त केशु घोर रूपा महाबला, अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रि तपस्विनी, नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी, शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी, कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी, य इदं प्रपठ्ये नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं, नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती।
धनम धान्यम सुतम जायाम हयम हस्तिनमेव च चतुर्वर्गम तथा चांते लभेन मुक्तिम च शाश्वती। उसके बाद 59 के बाद जो 60वां नाम है वो है विमला, उसके बाद उत्कर्षिणी, फिर ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्व वाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दिनी, मधु कैटभ हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्व दानव घातिनी, सर्व शास्त्रमयी, सत्या, सर्व अस्त्र धारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक अस्त्र धारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बल प्रदा, महोदरी, मुक्त केशु, घोर रूपा, महाबला, अग्नि ज्वाला, रौद्रमुखी, काल रात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिव दूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा और अंत में ब्रह्मवादिनी। दोस्तों ये थे अष्टोत्तर नाम यानी कि 108 नाम जो देवी दुर्गा के इस दुर्गा सप्तशती पाठ में बताए गए हैं। आप इन 108 के 108 नाम भी ले सकते हैं। इन 108 नामों में से आप किसी भी नाम का पठन करें, श्रवण करें, उस पाठ का अध्ययन करें, उसको जपें, मेडिटेशन करें, दोस्तों हर तरीके से आप परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं और देवी दुर्गा के माध्यम से आपकी ये स्तुति भगवान शिव तक पहुंच रही है और भगवान शिव तक जिसकी भी स्तुति पहुंचती है वो देवों के देव प्रसन्न होकर क्या आशीर्वाद आपको दे दें ये कहा ही नहीं जा सकता। मगर दोस्तों हम इंसानों के लिए ये ही आदेश है परमात्मा का कि हम नित्य रूप से यानी कि रेगुलरिटी से परमात्मा का नाम लें, परमात्मा का नाम जपें, अध्ययन करें, परमात्मा के बारे में जानें, परमात्मा के रास्ते पर चलें और परमात्मा के रास्ते पर चलते हुए परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करें। और दोस्तों ये अंतिम प्रयास जो होता है वो भगवान शिव के पास जाकर ही पूर्ण होता है। उसके बाद ये कहा गया है देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शत नाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं। अब आप देखिए जो भी इंसान इन अष्टोत्तर शत नाम यानी कि 108 नामों का पाठ करे उसके लिए तीनों लोकों में कोई चीज भी असाध्य नहीं यानी कि उसकी पकड़ से बाहर नहीं। दैट मीन्स एवरीथिंग इज पॉसिबल विद दिस पाठ। उसके बाद मंत्र श्रवण करें, कुमारीं पूजयित्वा तू ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेन पठेन नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर् भवेत् देवी सर्वे सुरवरैरपि राजानो दासताम यान्ति राज्य श्रियं वाप्युनाथ। गोरी चना लक्त ककुंकुमेन सिंदूर कपूर मधुत्रेन विलिख्य यंत्रम विधिना विधिज्ञो भवेत सदा धार्यते पुरारी भौमा वास्या निशामग्रे चंद्रे शतभिषाम गते विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रम स भवेत संपदाम पदम। इति श्री विश्वसार तंत्रे दुर्गोष्ट दुर्ग अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम समाप्तम। यानी के जो दुर्गा के अष्टोत्तर शत नाम का जो पाठ है उसका समाप्त यानी उस अध्याय की समाप्ति इस मंत्र के साथ होती है। अब आप इसका शाब्दिक अर्थ भी श्रवण करें, वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी चर्म धर्म आदि चार पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ जो भी उसका पूजन करे फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करे, देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से सिद्धि प्राप्त होती है, राजा भी उसके दास हो जाते हैं,
वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्ष यानी के लाख, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, दूध, चीनी और मधु, इन वस्त्रों को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर, जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। अब आप दोस्तों, जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, ये दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी बताई गई है। वो क्या बताया गया है उसके बारे में, भौमवती अमावस्या, यानी कि जो अमावस्या भौमवती, उसकी आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में है, यानी कि रात के समय भौमवती अमावस्या वाले दिन जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में हो, उस समय अगर कोई भी इस पाठ को, यानी कि इस अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र को लिखकर इसका पाठ करे, वह हमेशा संपत्तिशाली होगा, यानी कि वेल्दी बनने के लिए, पैसे वाले बनने के लिए, ऐश्वर्य वाले बनने के लिए। ये दोस्तों एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी है। अब आप इसको नोट कर लें। देखिए, पाठ अगर हम करते हैं तो उसके पीछे जन समाज के कल्याण की भावना भी होती है, और इसीलिए दोस्तों मैं मंत्र और उनके मीनिंग्स का पाठ आपको समझाता हूं, ताकि आप बहुत आसान शब्दों में उन चीजों को भी ग्रहण कर पाओ जो संस्कृत और जो थोड़े कठिन शब्द हैं उनके माध्यम से जो चीजें आपको समझ नहीं आती वो अर्थ के माध्यम से आपको समझ आ जाए। उसके बाद दोस्तों, अब जो तीसरा अध्याय है वो है कि इस पाठ को करना कैसे है, इसकी विधि क्या है। अब आप विधि को नोट कर लें। साधक को स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए। आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठें। साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखें। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दें। पुस्तक को विराजमान काष्ठ वाले, मतलब जो लकड़ी का उसका है, उसके ऊपर विराजमान आप कर दें। उसके बाद ललाट में अपनी रुचि के अनुसार, यानी के माथे पर अपनी रुचि के अनुसार भस्म लगा लें, चंदन लगा लें या रोली लगा लें। जैसे मैंने रोली लगाई है, आप चंदन भी लगा सकते हैं, आप भस्म भी लगा सकते हैं। फिर शिखा को बांध लें, जो साधक शिखाएं रखते हैं, चोटी रखते हैं, वो शिखा को बांध लें। फिर पूर्वाभिमुख होकर, यानी कि ईस्ट की तरफ अपना मुंह करके, ईस्ट डायरेक्शन की ओर अपना मुंह करके, तत्व शुद्धि के लिए चार बार उस शुद्ध जल से आचमन करें। और उस समय जो अग्रांकित चार मंत्र हैं वो क्रमशः पढ़ें। ये विधि यहां संक्षिप्त रूप से दी गई है ताकि आप आसानी से इन चीजों को कर सकें। अब आचमन के लिए जो मंत्र हैं, जो चार मंत्र मैंने कहा था, उनको मैं आपके लिए बोलता हूं। जो करना चाहें साथ में वो कर सकते हैं। ओम एम आत्म तत्वम शोधयामि नमे स्वाहा, ये दोस्तों पहला मंत्र है। उसके बाद दूसरा, ओम ह्रीम विद्या तत्वम शोधयामि नमे स्वाहा, तीसरा मंत्र। ओम क्लीम शिव तत्वम शोधयामि नमे स्वाहा, और चौथी बार, आखिरी बार, ओम एम ह्रीम क्लीम सर्व तत्वम शोधयामि नमे स्वाहा। ये दोस्तों चार बार आपने आचमन करना है। उसके तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं को, जैसे हमने पाठ के प्रारंभ में, दोस्तों कोई भी पूजा आराधना करनी है तो सबसे पहले किस देवता का आराधना करनी बनती है, वो है गणेश देवता। सो हमने भी पाठ की शुरुआत गणेश वंदना से ही की थी।
यही इसमें बोला गया है कि गणेश आदि देवताओं और गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर पवित्रे स्थो वैष्णव्यो इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल अक्षत यानी के जो चावल जो बिना टूटे हुए दोस्तों चावल है उनको अक्षत बोला जाता है और जल लेकर निम्नांकित रूप से संकल्प करें। क्या संकल्प करना है मैं अब आपके लिए पढ़ के बताता हूं। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु ओम नमः परमात्मने ओम पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णोराज्ञा प्रवर्तमान स्याद्य श्री ब्रह्मनो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्त्व मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत वर्षे भारत खंडे आर्य वर्तांतर्गत ब्रह्मा वतैर के देशे। अब आप ये देखिए ये भारतवर्ष के बारे में बताया गया है कि कलयुग के प्रथम चरण में जम्बू द्वीप भारतवर्ष भारत खंडे आर्यवर्त के अंतर्गत ब्रह्मावत वर्तैक के एक देशे पुण्य प्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यानी के प्रेजेंट टाइम में यथा नाम संवत्सरे अमुक याने महा मांगल्य प्रदे मासा नाम यानी के इस मास के बारे में बताया गया है उत्तमे अमुक मासे अमुक पक्षे कौन सा पक्ष है अमुक तिथौ कौन सी तिथि है अमुक वासरान वितायाम अमुक नक्षत्रे कौन सा नक्षत्र है अमुक राशि स्थिते कौन सी राशि है सूर्य अमुका अमुक राशि स्थिति तेषु चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि शु। देखिए सारे ग्रहों के बारे में दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया है कौन कौन से चंद्र चंद्रमा के बारे में भौम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि सत्सु शुभे योगे यानी के जब शुभ योग होगा शुभ करने एवं गुण विशेष विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणों पुराण उक्तो उक्त फल प्राप्ति काम है अमुक गोत्रोत्पन्न यानी के जिस गोत्र का जातक इस पाठ के बारे में कह रहा है ये उसके बारे में बोला गया अमुक शर्मा अहम ममात्मन सपुत्र स्त्री बांधवस्य श्री नव दुर्गा अनुग्रहतो गृह कृत राज कृत सर्व विध पीड़ा निवृत्ति पूर्विक पूर्वकम यानी कि किस पीड़ा की निवृत्ति के लिए ये पाठ किया जा रहा है नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम यानी के पुष्टि यानी के हेल्थ के बारे में धन धान्य समृद्धि के बारे में श्री नव दुर्गा प्रसादेन सर्वापन्नी वृत्ति सर्वा अभीष्ट फल वाप्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि दारा यानी के जो कोई भी अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए यानी के धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि प्राप्ति के लिए यानी के ये जो चतुर्विध पुरुषार्थ हैं इनकी सिद्धि के बारे में श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम शापोद्धार पुरस्सरम कवच अर्गल की तिलक पाठ वेद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पाठ देव्य देव्यथ अथर्व यानी के जो अथर्व वेद है अथर्व शीर्ष पाठन न्यास विधि सहितन नवान जप सप्तशति न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग संध्या पूर्वकम चय मार्कंडे उवाच सावर्णी सूर्य तनयो यो मनु कथ्यते अष्टमे इत्याद्यारभ्य सर्वानिर्भविता मनु इत्यंतम दुर्गा सप्तशक्ति पाठम तदंते न्यास विधि सहित नवार्ण मंत्र जपम वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठम रहस्य त्रय पठनम शापोद्धारदिकम चय करिष्ये। और इसके जो मीनिंग है अब आप वो श्रवण करें।
इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवी का ध्यान करते हुए पंच उपकार की विधि से पूजा करें, योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें, फिर मूल नवार्ण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद शापोद्धार करना चाहिए। इसके बाद अनेक प्रकार है, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देव्य शाप नाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करें, यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके अनंतर उत्कीलन मंत्र का जप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में यानी के शुरू में और आखिर में 21 बार होता है और यह मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्त शक्ति चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप के पश्चात शुरू में और अंत में 7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि उनमें मृत संजीवनी विद्या यानी कि जो इंसान मृत्यु समान बीमारी से ग्रस्त हो जाए और उसकी संजीवनी वाली जो विद्या है, जो सिद्धि प्राप्त होती है, जिन लोगों को भी प्राप्त होती है जो, और कहा जाता है कि इनके पास मृत संजीवनी विद्या है, वो इस प्रकार है, श्रवण करें, ओम ह्रीम ह्रीम वम वम एम एम मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्थापयोथ्या प्यै क्रीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा। मैं दोबारा आपके लिए कठिन कर देता हूं, ओम ह्रीम ह्रीम वम वम एम एम मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्थापयो था प्यै क्रीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं। अथवा रुद्रयामल महातंत्र के अंतर्गत दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडिका शाप विमोचन मंत्रों का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए और वे मंत्र इस प्रकार है, ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्रा शाप विमोचन मंत्रस्य। अब आप देखिए कितने ऋषियों का नाम इसमें लिया गया, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र ऋषि, यानी के शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ ऋषि नारद संवाद साम वेद अधिपति ब्रह्मान ऋषिय सर्वेश करिय कारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्र त्रयम बीजम ह्रीम शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तौ मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगे। ओम ह्रीम रीम रेत स्वरूपिन्य महु कैटभ मर्दिन्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात विमुक्ता भव। ओम बुद्धि स्वरूपिन्य महिषासुर सैन्य नाशिन्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात विमुक्ता भव। ओम रम रक्त स्वरूपिन्य महिषासुर मर्दिन्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम क्षुम क्षुधा स्वरूपिन्य देव वंदिताय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिसे एक ही दिन में पूरे पाठ का अवसर ना मिले वह एक दिन केवल मध्यम चरित्र का और दूसरे दिन शेष 2 चरित्रों का पाठ करें, और इसके सिवा जो प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करते हैं उनके लिए एक दिन में एक पाठ न हो सकने पर 1, 2, 1, 4, 2, 1 अध्यायों के क्रम से 7 दिनों में पाठ को पूरा करने का आदेश दिया गया है। कोशिश करेंगे दोस्तों कि हम भी इसी विधि से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप भी जानते हैं कि समय कई बार कम हो जाता है और कई बार लाइव जो इंटरनेट की कवरेज है वो बीच में कई बार उसमें व्यवधान पड़ जाता है। सो हम प्रयास करेंगे कि सुबह शाम आपके सामने प्रस्तुत करके इस दुर्गा सप्तशती के पाठ को मंत्रों सहित कोशिश करेंगे कि 7 दिन में संपूर्ण करने का प्रयास करें। बाकी रिक्वेस्ट देवी
दुर्गा से है कि हे देवी दुर्गा, हमें इतनी शक्ति देना कि हम पाठ को संपूर्ण विधि पूर्वक इसी टाइम में पूरा कर पाएं। उसके बाद छाया स्वरूपिण्य दूत संवादिन्य ब्रह्म विशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम शम शक्ति स्वरूपिण्य धूम्रलोचन घातिन्य ब्रह्म विशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम त्रिम त्रिषा स्वरूपिण्य चंड मुंड वध कारिण्य ब्रह्म विशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम क्षाम क्षांति रूपिण्य रक्त बीज बीज वध कारिण्य ब्रह्म विशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम जाम जाति स्वरूपिण्य निशुंभ वध कारिण्य ब्रह्म विशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम लम लज्जा स्वरूपिण्य शुंभ वध कारिण्य ब्रह्म विशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम शाम शांति स्वरूपिण्य देव स्तुति ब्रह्म विशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम श्रम श्रद्धा स्वरूपिण्य सफल सकल फल दात्रिय ब्रह्म विशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम काम कांति स्वरूपिण्य राजवर प्रदाय ब्रह्म विशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम माम मात्री स्वरूपिण्य अनर्गल महिम सहिताय ब्रह्म विशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ह्राम श्रीम दुम दुर्गाय सम सर्वेश्व कार्य कारिण्य ब्रह्म विशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अभेद्य कवच स्वरूपिण्य ब्रह्म विशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम क्रीं काल्य काली ह्रीं फट स्वाहाय ऋग्वेद स्वरूपिण्य ब्रह्म विशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्य त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्यै नमः। इत्येम हि महामंत्रान् पठित्वा परमेश्वर चंडी पाठम दिवा रात्रौ कुर्या देव न संशय एवं मंत्रम न जानाति चंडी पाठम करोति ये आत्मानं चैव दातारं क्षीणं कुर्यान्य संशय। इस प्रकार शापोद्धार करने के बाद अंतर मात्रिका बही मात्रिका आदि का न्यास करें, फिर श्रीदेवी का ध्यान करके रहस्य में बताए अनुसार नौ कोष्ठों वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करें। इसके बाद छह अंगों से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच अर्गला कीलक और तीनों रहस्य ये सप्तशती के छह अंग हैं। दोस्तों इसके बारे में आप दोबारा सुन लें समझ लें। कवच अर्गला कीलक और तीन रहस्य ये दुर्गा सप्तशती के छह अंग हैं और जिसके बारे में मंत्र में ही ये कहा गया है अर्गलम कीलकम चादौ पठित्वा कवच कवचम पठेत जप्या सप्तशती पश्चात सिद्धि कामेन मंत्रेण। कवचम बीज माल बीजम दिष्ट मर्गला शक्ति रुच्यते कीलकम कीलकम प्राहु सप्तशत्य महामनो। यथा सर्व मंत्रेषु बीज शक्ति कील का नाम प्रथम उच्चारणम तथा सप्त शक्ति पाठे अपि कवच अर्गला कील का नाम प्रथमं पाठे स्यात्। इस प्रकार अनेक तंत्रों के अनुसार सप्त शक्ति के पाठ का क्रम अनेक प्रकार का उपलब्ध होता है। ऐसी दशा में अपने देश में पाठ का जो क्रम पूर्व परंपरा से प्रचलित हो उसी का अनुसरण करना अच्छा लगता है। व्यवधान के लिए थोड़ा सा खेद है, बीच में दोस्तों एक फोन आ गया था। उसके बाद अथ देव्या कवचम ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदय चामुंडा देवता अंगन्या सोक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवता स्तत्वम
श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्त शक्ति पाठांग त्वेन जपे विनियोग है। ओम नमः चंडिकाय, जिसमें मार्कंडेय वाच ओम यद गुह्यम परमम लोके सर्व रक्षा करम निर्नाम यन्य कस्य चिदा ख्यातम तन्मे ब्रूहि पिता मह। उसके बाद ब्रह्मवाच अस्ति गुह्यतमम विप्र सर्वभूतो पराक उपकारकम देव्यास्तु कवचम पुण्यम तत्श्रिशुन्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्कम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। इसमें सबसे पहले महाचंडिका देवी को नमस्कार किया गया है। मार्कंडेय जीव ने क्या कहा अब आप सुनिए। पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय है, यानी कि जो सबसे सीक्रेट चीज है दोस्तों, तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, यानी जो मिस्ट्री है, जो सीक्रेट रहस्य है, जो आपने आज तक किसी के सामने प्रकट नहीं किया, किसी को बताया नहीं है, अगर ऐसा कोई साधन है तो आप मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, यानी के सीक्रेट से भी सीक्रेट, पवित्र तथा, मतलब पवित्र यानी सेक्रेट, सीक्रेट भी है और सेक्रेट भी है, संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसी का श्रवण करो। देवी की नौ मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं, उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। आज जैसे फर्स्ट, हम मतलब कहते हैं कि आज फर्स्ट नव दुर्गा है। ये नौ देवी की दोस्तों मूर्तियां हैं, उनके अलग अलग रूप हैं, उनके बारे में इसी मंत्र में सब कुछ बताया गया है। जो उनके प्रथम पृथक पृथक नाम बताए गए हैं उसमें प्रथम नाम है शैलपुत्री, दूसरा जो मूर्ति है उसका नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरे स्वरूप को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है, चौथे स्वरूप को कुष्मांडा कहा जाता है, पांचवें को दुर्गा, पांचवी दुर्गा या पांचवें जो स्वरूप है उसका नाम है स्कंद माता, छठे स्वरूप को कात्यायनी कहा जाता है, सातवें को कालरात्रि और आठवें स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। ये ही नव दुर्गा के अलग अलग स्वरूप हैं और ये नौ की नौ जो स्वरूप हैं या जो नौ दुर्गाएं हैं ये सिद्धिदात्री हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। अब उसके बाद जो मंत्र है उसका आप श्रवण करें। नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्त अन्यातानि नामानि ब्रह्म नैव महात्मना अग्निनना दह्यमना मानस्तु शत्रु मध्ये गतोरने विश्वे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणम गता। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, यानी के जिंदगी की दोस्तों बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज में फंस गया हो, जो भगवती दुर्गा में, दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी भी अमंगल हो ही नहीं सकता। युद्ध के समय में संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती, उन्हें शोक दुख भय की प्राप्ति ही नहीं होती। उससे अगले मंत्र का श्रवण करें। पहले नैम तेषां जायते किंचित् शुभम रण संकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम् नहि। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशय। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना एन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना
माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरि प्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मिनी ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरै सर्वा सर्वयोग समन्विता नाना भरण शोभाढ़ नाना रत्नों शोभिता। इसमें जो अर्थ है अब आप उसका श्रवण करें। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया उसका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत आती है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन म्यूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में भी उन्होंने कमल धारण किया हुआ है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की योभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्य क्रोध समाकुला शंखम चक्रम गदाम शक्तिम हलम चै मुसला युधम खेटकम तोमरम चै परुषम पाशमेव चै कुंता युधम त्रिशूलम च शार्गम शांग मायुध मुत्तमम दैत्यानाम देहनाशाय भक्तानाम भयाय चै धारण्यात्यायुधानिथम देवा नाम चै हिताय वै नमस्तस्ते नमस्तस् नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राही माम देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रुनाम भयवर्धिनी प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्रै अग्ने आमग्नि देवता दक्षिणे अवतु वाराही नेतृत्याम खड्गधारिणी प्रतीच्याम वारुणी रक्षेद वायव्याम मृगवाहिनी। दोस्तों ये जितनी देवियां हैं ये देखने में ऐसे लगता है कि सब ये बहुत ही क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए ये किसी ना किसी वाहन या आसन के ऊपर सवार होती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पाश कुंत त्रिशूल शांगर धनुष ये अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में हमेशा धारण किए हुए दिखाई देती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना भक्तों को अभयदान देना देवताओं का कल्याण करना यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। जो थोड़ा सा दोस्तों सोसाइटी में ये चीज चलती है कि इतने अस्त्र शस्त्रों की देवियों को क्या जरूरत है ये उसके बारे में समझाया गया है कि ये तीन मोटिव्स हैं किसके लिए इन देवियों ने शस्त्रों को धारण किया है। वो है दैत्यों के शरीर का नाश करना पहला मोटिव है, दूसरा है भक्तों को अभय दान देना ताकि जो भी भक्त उनकी भक्ति करते हैं उनके शरणागत होते हैं वो उनको देखकर उनको अभय दान मिले उनका डर समाप्त हो जाए और देवताओं का कल्याण करें। यही तीन मोटिव्स हैं। महान रौद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम महान बल महान उत्साह वाली देवी तुम महान भय का नाश करने वाली हो तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका देवी मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति दक्षिण दिशा में वाराही नेतृत्व कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। दोस्तों यहाँ पर जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं थोड़ा सा वास्तु को समझते हैं या इनमें इंटरेस्ट लेते हैं दोस्तों ये वास्तु का एक बहुत अच्छा यहाँ पर पॉइंट आता है
ये देखिए, आप सारी डायरेक्शंस के बारे में बताया गया है कि किन की देवी जो उनकी उस डायरेक्शन में पर्टिकुलर रक्षा करने वाली देवी है वो कौन कौन सी है। मैं आपके लिए दोबारा आपको बताता हूं। पूर्व दिशा में यानी कि ईस्टर्न डायरेक्शन में ऐंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में साउथ डायरेक्शन में वाराही, नेतृत्व कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम दिशा यानी के वेस्ट में वारुणी। दोस्तों आप जानते हैं जितनी ये बारिश आती है ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण ही आती है। वेस्ट से आप जानते हैं कि वेस्ट में क्योंकि समुद्र है, और वेस्ट में वारुणी यानी के जो पानी की देवी है। वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। आप देखिए छे की छे डायरेक्शंस दोस्तों उन्होंने बता। उदिच्याम पातु कौमारी ऐशान्याम शूल धारिणी, ऊर्ध्वम ब्रह्माणि मे रक्षेत् स्ताद् वैष्णवी तथा, एवं दश दिशो रक्षेत् चामुंडा शव वाहना, जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता, वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चा पराजिता, शिखा मुद्योतिनी रक्षे दुमा मूर्धिन व्यवस्थिता, मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी, त्रिनेत्रा च भुवोर मध्ये यम घंटा च नासिके, शंखिनी चक्षुषोर मध्ये श्रोत्रियो द्वारवासिनी, कपोलौ कालिका रक्षेत कर्ण मूले तु शांकरी, नासिकायाम सुगंधा च उत्रोष्ठे च चर्चिका, अधरे चामृत कला जिव्यायाम च सरस्वती। अब जो बाकी डायरेक्शंस बची हैं उनके बारे में भी आप नोट कर लें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण यानी के जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो सबसे पवित्र डायरेक्शन मानी जाती है ईशान कोण, उसमें शूल धारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्मानी तुम ऊपर की ओर से रक्षा करो यानी जो ऊपर की दिशा है, और वैष्णवी देवी नीचे वाली डायरेक्शन में रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। दोस्तों 10 की 10 दिशाएं, हालांकि नॉर्मल में आप 10 दिशाओं के बारे में नहीं जानते, और जो लोग थोड़ा सा भी अध्यात्म का अध्ययन करते हैं या अध्यात्म के बारे में जानते हैं उनको पता है कि दिशाएं हमेशा 10 ही होती हैं। और कौन कौन सी हैं? जया देवी आगे से, विजया देवी पीछे से मेरी रक्षा करें, वाम भाग में यानी के लेफ्ट में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे, उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे, ललाट में मालाधरी रक्षा करे, यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे, भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा जहां पर तीसरा नेत्र जहां ये टीका लगाया जाता है ये भौहों का मध्य भाग है यहां पर त्रिनेत्रा, नथनों की यम घंटा देवी, नथने दोस्तों ये नॉस्ट्रिल्स, दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी, और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे, कालिका देवी कपोलों की, और भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे, नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओंठ में चर्चिका देवी रक्षा करे, नीचे के ओंठ में अमृत कला और जिह्वा में सरस्वती रक्षा करे। दंतान रक्षतु कौमारी कंठ देशेतु चंडिका, घंटिकाम चित्र घंटा च महामाया च तालुके, कामाक्षी चिबुकम रक्षेद वाचम में सर्व मंगला, ग्रीवायाम भद्रकाली चय पृष्ठ वंशे धनुर्धरी, नील ग्रीवा बहिकंठे नलिकाम नलकुबरी, स्कंधयो खड्डिनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी, हस्त योद दंडिनी रक्षेदंबिका चांगुलिषु च नखान छूलेश्वरी, रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी, स्तनौ रक्षेन महादेवी मने शोक विनाशिनी, हृदय ललिता देवी उदरे शूल धारिणी, नाभौ च कामानी रक्षेत गुह्यम गुह्येश्वरी तथा, पूतना कामिका मेढम गुदे महेश वाहिनी। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका देवी कंठ प्रदेश की रक्षा करें, चिंत्र घंटा गले की,
घंटी और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोडी की और सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में हडगिनी और दोनों भुजाओं में वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी नखों की यानी के नेल्स की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में, शूल धारिणी उदर में यानी के स्टमक में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामानी कामिनी और गुह्य भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कमिका लिंग की और महेशवादिनी गुदा की रक्षा करें। अब आप देखिए शरीर के हर पार्ट की दोस्तों कोई ना कोई देवी है और जिसका मनन पठन करने से शरीर के उस भाग को पुष्ट किया जा सकता है। अब आप देखिए छोटी सी बात से ये एक अच्छी रेमेडी निकल कर आती है। कट्याम भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबरा रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी गुलफ्योर नरहिं सिंही चै पाद पृष्ठे तु तैजसी पादांगुलिषु श्री रक्षेत पादाधस्तल वासिनी नखान द्रष्टा कराली चै केशान चै वोर्ध्वकेशिनी रूम केशु कूपेशु कौबेरी त्वचम वागीश्वरी तथा रक्त मज्जा वसा मां मास्यान अस्थि मेदांसी पार्वती अंतरानी काल रात्रिश्च पित्तम चै मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि स्थता ज्वालामुखी नख ज्वाला मेध भेद्या सर्वसंधिषु शुक्रम ब्रह्माणि में रक्षे छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहंकार मनो बुद्धिम रक्षेन मने धर्मधारी। भगवती देवी कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें और जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वो अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्मानी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी देवी छाया की, धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राणापानौ तथा व्यान मुदा नाम चै समान कम वज्रहस्ता चै में रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे चै चै गंधे चै शब्दे स्पर्शे चै योगिनी सत्वम रजस्त मश्चैव रक्षेन नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षु रक्षतु वैष्णवी यश कीर्तिम चै लक्ष्मीम चै धनम विद्या च चक्रनी गोत्रमिंद्रानी में रक्षेत पशून में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्याम रक्षतु भैरवी पंथा नाम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा राजदारे द्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनम तु यत् स्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वम रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान समान की रक्षा करें।
कल्याण रूप से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का योगिनी देवी रक्षा करे। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें और चक्रिनी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा और मार्ग में क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अथवा रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप विनाशिनी। यानी कि जो चीजें अगर किसी कारणवश रह गई हो बॉडी का वो पार्ट भी देवी आप ही उसकी रक्षा करते हो। पद मेकम न गच्छे तु यदीच्छे छु भमात्मने कवचे नावृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तथा तत्रार्थ लाभश्च विजय सर्वकामिके यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वर्यं तुलं प्राप्यते भूतले पुमान निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेश्व पराजिते त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेना वृते पुमान इदम तु देव्या कवचम देवानामापि दुर्लभम। यम पठेत प्रयतो नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्ध्यान्वित देवी कला भवेतस्य त्रैलोक्यश्व पराजित जीवेद वर्ष शतम सागरम पमृत्यु विवर्जित नाश्यन्ति व्याध्य सर्वे लूता विस्फोट काद्य स्थावरम जंगम चैव कृत्रिमम चापि यद्विषम अभिचारानी सर्वानी मंत्र यंत्रानी भूतये भूतले भूचरा खेचराश्चैव जल जाश्चो पदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गर्धर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवादया नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर् भवेत् राजस्य तेजो वृद्धि करम कर्मम परम। मकरी चेचक कोड आदि की समस्त व्याधियां इस देवी का पाठ करने से नष्ट हो जाती है। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं और उनका कोई अस्त्र नहीं असर नहीं होता। इसी प्रकार पृथ्वी पर मारन मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों अब आप देखिए ये पाठ कितना महत्वपूर्ण है। ये ही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विवेश जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला डाकिनी शाकिनी भूत पिशाच डाकिनिया यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कूष्मांड भैरव आदि अनिष्टकारक देवता हृदय में इस कवच को धारण कर किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है और यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम होता है। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिम मंडित भूतले जपेत सप्तशतीम चंडीम कृत्वा तु कवचम पुरा यावत् भू मंडलम धत्ते सशैल वन काननम तावत्
तिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्रिकी देहांते परमं स्थानं यत सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादते लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति देव्या कवचम समर्पम। संपूर्ण। अब आप देखिए इस मंत्र के साथ ये जो कवच वाला अध्याय है इसकी इति होती है, यानी कि यहाँ पर ये संपूर्ण होता है और इसको यहाँ समाप्त माना जाता है। अब इसके आप अर्थ भी समझ लें। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर यानी कि जमीन पर सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, जब तक वन पर्वत कानन सहित यह पृथ्वी टिकी है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदित संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह दिव्य सुंदर रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अब दोस्तों अब आप देखिए एक पाठ करने से अगर आपको इतने फल प्राप्त होते हैं तो क्यों ना इन पाठों को किया जाए। आज मैं इसी रिक्वेस्ट के साथ इसी निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कल हम सुबह के टाइम आपके समक्ष दुर्गा सप्तशती के अगले अध्याय को अर्थों सहित लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस पाठ में सम्मिलित होकर समाज की कल्याण के लिए आगे आए, आप भी पाठ करें, लोगों को भी पाठ करने में प्रेरित करें ताकि जो इन पाठों में निहित बेनिफिट्स हैं वो समाज के जन जन तक पहुँचे। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद और सबको परमात्मा अपना आशीर्वाद।